खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से है, जहां दो शुक्रवार से शुक्रवार की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में हो रही हिंसा के मद्देनजर जिले की पुलिस अलर्ट पर है। आज होने वाली शुक्रवार की नमाज पर पैनी निगाह रखी जा रही है। तक शांत रहे सिद्धार्थनगर जिले में भी कोई विवाद न हो सके, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने दोनों समुदाय के लोगों से संपर्क कर आपसी सौहार्द बढ़ाने की अपील की है। साथ ही अवांछनीय तत्वों पर विशेष निगाह रखते हुए हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है। जनपद सिद्धार्थनगर में विगत जुमे की नमाज पर भी बहुत अच्छी ड्यूटी लगाई गई थी और लोगों ने बहुत सहयोग किया था, और इस जुमे को भी अभी हमारी सभी जितने धर्मगुरु हैं सभी धर्मों के, उसमें 154 लोगों से वार्ता हो गई है बुला के, सभी थानों पर पीस कमेटी की बैठक हो गई है। पूरे जनपद को 5 जोन में बांटा गया है और 21 सेक्टर बनाए गए हैं पूरे जनपद में, जिसमें सभी अधिकारी और मजिस्ट्रेट हमारे लगे हुए हैं। 10 QRT बनाया है, प्रत्येक थाने पर एक एक 11 लोगों की स्ट्राइक टीम बनाई गई है। इसके अतिरिक्त 42 हॉट स्पॉट हमने चिन्हित किया है जहां पर ड्यूटी लगी हुई है। 7 जहां पर डेंस मस्जिद हैं वहां पर हमने क्लस्टर बना के ड्यूटी लगा रखा है। इस तरह से पूरी तरह से सतर्क है सिद्धार्थनगर पुलिस। आज हमने ड्रोन से कवरेज भी करा लिया है मस्जिदों के आसपास, कहीं पर भी किसी तरह का कोई इनपुट नहीं है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।